नमस्कार, आप सभी का स्वागत है वागा के मेडिकल क्लासेस में। मेरा नाम नीतू सिंह है और आज का मेरा जो विषय है डीएनसी। डीएनसी का मतलब डायलेट एंड क्यूरेट। डीएनसी के जो मेन इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे कि वो उनको क्या कहते हैं, किस नाम से पुकारते हैं और वो कैसे होते हैं और उनका यूज़ क्या क्या होता है। तो सबसे पहले आइए हम चलते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्पंज होल्डर। स्पंज होल्डर का काम एक ही नहीं होता है, स्पंज होल्डर से कई काम होते हैं। ये यूज टू होल्ड स्पंज, मतलब ये जो होता है आपका स्पंज होल्डर, सबसे पहले आता है आपका स्पंज होल्डर। इससे हम क्या करते हैं, स्पंज होल्ड करते हैं या कोई भी हम कॉटन स्वैब होल्ड करते हैं यहाँ से, होल्ड करने के बाद यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद में उस स्वैब को हम एंटीसेप्टिक लोशन में ले करके जो हमारा एरिया होता है, प्रोसीजर एरिया, उसको वहाँ पे क्लीन करते हैं, यानी कि पेंट करते हैं। ये उसके काम में आता है। ठीक, सेकंड हमारा आता है सिम्स स्पैकुलम। दिस इज अ सिम्स स्पैकुलम। इससे क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, एक स्मॉल होता है एक होता है लार्ज। जिस हिसाब से हमको नीड होती है हम उस हिसाब से उसको यूज करते हैं। इससे क्या होता है, जो हमारे इससे हम पेशेंट की वेजाइनल एरिया में डाल के उसको हम रिटेक्ट करते हैं, ताकि जब ये रिटेक्ट हो जाएगा तो हम उसके अंदर सर्विक्स में आराम से हम अपने इंस्ट्रूमेंट को इंटर करके उसको काम में कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। मेन इसका ये काम होता है। उसके बाद में आता है हमारा, ये आता है यूट्राइन साउंड। ये हमारा जो इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये यूट्राइन साउंड है। इसका मेन काम होता है, ये हमारी सर्विक्स की डेप्थ को पता करता कि वो कितनी गहराई है, ताकि हम उसको डाल करके उसका मेजर कर सकते हैं। उसके बाद हम इस पर इंस्ट्रूमेंट डाल करके उसके एरिया को, अंदर के जो भी प्रोडक्ट है उसको हम क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा डायलेटर। डायलेटर हमारे 9 तरह के होते हैं और जिसमें से हमें जिस की नीड होती है, सबसे पहले हम छोटे डायलेट से शुरू करते हैं, क्योंकि 9 डायलेट में 9 नंबर्स होते हैं। जब छोटे डायलेट से हम शुरू करते हैं तब देखते हैं कि हमारी सर्विक्स डायलेट हो गई है या नहीं। जब डायलेट हो जाती है उसके बाद हम उसके अंदर का प्रोसीजर शुरू करते हैं। उसके बाद आता है आपका ये वॉसलेम। ये वॉसलेम फॉर्सेप होती है। इससे क्या होता है, जो हमारा इंटीरियर वॉल होती है, सर्विक्स की वॉल होती है, इसके उसके इसमें भी आपके जो खांचे होते हैं उसको सेट कर देते हैं। इससे क्या होता है, हम जो सर्विक्स की जो वॉल होते हैं, लिप्स होते हैं, उसको हम होल्ड करके ऐसे होल्ड करके रखते हैं, ताकि हम उसमें इंस्ट्रूमेंट डाल करके आराम से क्यूरेट कर सकें। ये हमारा होता है वॉसलम। उसके बाद हम आते हैं, ये हमारा होता है ओवम फॉर्सेप। इसका मेन काम होता है कि जो भी यूट्राइन के अंदर, सर्विक्स के अंदर जो भी प्रोडक्ट है उसको हम आराम से, इसमें देखिए स्पून टाइप का बना होता है जिसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम आराम से बाहर को ला करके, हमें अगर किसी की बायोप्सी भेजनी है या हमें कहीं और भेजना है, उसे हम आराम से जो टिश्यू रह जाते हैं वॉल में लग चिपके जाते हैं उससे हम इसको क्लीन कर लेते हैं। ये है हमारा ओवर फॉर्सेप। और ये हमारा है वॉल डिटेक्टर, इंटीरियर वॉल डिटेक्टर, जिससे हम उसमें डालने बाद में जो प्रोडक्ट बच जाते हैं, जो वॉल से थिक लग जाता है, जो उसमें हम क्लियर करते हैं, खुरचते हैं, ये उसके काम में आता है। ये हमारे डिटेक्टर हैं, वॉल डिटेक्टर। इनका भी मेन काम खुरचना ही होता है। ये भी हमारे कई साइजेस में आते हैं। जैसे अभी हमने आपको 2 साइज दिखा रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा। जिस हिसाब के मुझे नीड होती है उस हिसाब से हम क्यूरेट करके अपने जो भी वहाँ का कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ से उसको निकाल लेते हैं। उसके बाद में भी आखिरी में जो बचता है, जैसे सब कुछ क्लीन कर लिया, जब नहीं होता है तो आखिरी में क्या होता है, ये आपका है सेक्शन कैथेटर, सेक्शन कैनुला, जिसको हम डाल करके आराम से पाइप के थ्रू वजाइना में डाल कर, सर्विक्स में डाल करके पार्ट को सक्शन कर लेते हैं, ताकि एरिया क्लीन हो जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो ये प्रोडक्ट होते हैं आप इसमें यूज रख सकते हैं, जो वेस्ट एरिया होती है, जो वेस्ट जो चीज़ें निकलती हैं उसको हम आपके यू हटा करके उसको किनारे कर लेते हैं। तो ये हमारी आज की इंस्ट्रूमेंट्स थी, डीएनसी की इंस्ट्रूमेंट। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।